मिया चांदनी किला तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांदनी किला जाने कितने दिनों के बाद, गली में आ चांदनी किला, गली में आ चांदनी किला तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांदनी किला। गली में आ चांदनी किला जाने कितने दिनों के बाद, गली में आ चांदनी किला, गली में आ चांदनी किला तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांदनी किला, गली में आ चांदनी किला, गली में आ चांदनी किला तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांदनी किला। बहुत सुंदर। एक नजर तुझे देखना होता है, बिहारी जी से कहता है, बिहारी जी आप मेरे सामने यूं सज संवर कर बताया करो, क्यों? क्योंकि जब हम आपको देखते हैं, अब आप जब आप मेरे सामने यूं सज संवर कर आते हैं तो हम आपका भजन कीर्तन करना भूल जाते हैं, क्योंकि प्रेमी बहुत ही भोला होता है। तो लीजिए सुनेंगे आप, बहुत ही प्यारा भजन है, सुरभि चतुर्वेदी जी के द्वारा गाया गया है, आप लोग सुने और श्रवण करें और मीठी मीठी तालियों के साथ आप लोग। कहना है कि ए बंदे जब तू मरेगा लोग तेरी अच्छाई ना देख कर तेरे ऐब देखेंगे। नीरज भैया, हाँ, ए बंदे जब तू मरेगा लोग तेरी अच्छाई ना देख कर तेरे ऐब देखेंगे, और तू जमीन में लेटा होगा लोग फिर भी तेरी जेब देखेंगे, क्योंकि आजकल का जो प्रेम है सिर्फ पैसे का है, हैं नीरज भैया। तो लीजिए सुनिए बहुत ही प्यारा भजन। कि तेरा एक नजर मुझे देखना, हो किसी बंदगी से कम नहीं, करो मेरा शुक्रिया मेहरबान कि तुम्हें दिल में हमने बसा लिया, हो आप इस तरह से हो सजी सवर के सामने आया न कीजिए, यू सजी सवर के सामने आया न कीजिए। और एक बार हृदय से ताली बजाएंगे इस साउंड सर्विस के लिए, जैसा कि नाम है भाई इनका राज, और हकीकत में इन्होंने राठ क्षेत्र में राज कर रखा है। कलाकारों की जान होता है माइक, और शायद ये जान भी है, पर इसमें करंट आ रहा है, मेरी जान चली जाएगी, आ रहा है। तो लीजिए बहुत ही प्यारा भजन आप लोग मीठी मीठी तालियों के साथ। हो काली का
पंदे क्यों डाले काली काली अलके अलके मतलब ये जुल्फे। प्रभु से कहता है प्रेमी कि प्रभु अपने इन अलकों को अर्थात बालों को थोड़ा सा संभाल के रखो, ये हमारे गले का फंदा बन गई है। श्री भजन हो काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हो काली काली अलकों अलकों के हो काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। अरे हमें जिंदा रहने दे रे मुरली वाली, हमें जिंदा रहने दे रे मुरली वाली। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। हमें जिंदा रहने दे अरे मुरली वाली, हमें जिंदा रहने दे अरे मुरली वाली। भजन सुना होगा और शायद ना सुना हो तो कोई बात नहीं, पर इतना तो आप लोग बोल ही सकते हो कि मुरली वाले हैं। सात दिन आप लोगों के यहाँ ज्ञान गंगा बहने वाली है और इस ज्ञान गंगा में जिसने गोते लगा लिए तो मानो उसका ये जीवन धन्य हो गया। तो कौन कौन गंगा में गोते लगाना चाहता है, हाथ ऊपर उठाना जरा। कौन कौन राम जी से प्रेम करता है, ऊपर हाथ उठा के कहना है कि अगर हमसे दिल लगाओगे, हमसे दिल लगाओगे तो मर जाओगे और अगर प्रभु से दिल लगाओगे तो तर जाओगे। चाचा हमारे चक्कर में ना पड़ो, भजन कीर्तन कर ले हो। उठा के दोनों हाथ मिला के मीठी मीठी ताली। हमें जिंदा रहने दे अरे मुरली वाली, हमें जिंदा रहने दे अरे मुरली वाली, मुरली वाली, मुरली वाली, मुरली वाली। सुंदर प्रस्तुत पर जो इस ग्राउंड में राउंड लगा रहा है राज साउंड सर्विस इमिलिया, इनके द्वारा 51 मुद्राएं संयुक्त रूप से हमारे व्यासपीठ और सखी के लिए प्रदान किए गए। भाई हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखना चाहते हैं कि समाज में कौन कौन आज भी अपने सत्य सनातन धर्म को मानता है, वैसे ही है ना राम जी का कौन कौन दीवाना है। तो सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ भजन में ताली बजाएंगे और अपना अपना सहयोग, हाँ अपनी अपनी अर्जी प्रभु के चरणों में लगाते हुए सुनिए। सितमगर हम तुम्हें खूब पहचानते हैं, सितमगर हम तुम्हें खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। सितमगर सितमगर
भजन के चलते आप लोग सुंदर सी संगति देखेंगे चंद क्षणों में, बहुत ही मीठी मीठी आप लोग कमर की बात देखेंगे और इधर इनका आबादन क्या बात है। हाय दैया, नौ युवक हैं पर उंगलियां इनकी बहुत तेज चलती हैं। देखिए इनकी उंगली का कमाल और हमारी पतली सी कमर का कमाल। नीरज भैया ध्यान देना थोड़ा, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। और देखे इसी सुंदर प्रस्तुत पर, और लीजिए अब आप लोग सुनेंगे चलते चलते चंद।